थाना अरेरा हिल्स पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 लाख रुपए के लूट के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। राजधानी भोपाल में हो रही घटनाओं पर रोकथाम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अरेरा हिल्स के निर्देशन में टीम रवाना कर मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ऐशबाग से पकड़ा। आरोपी ने अपने शौक के लिए महिला से लूट करी थी। बताया जा रहा है महिला भोपाल न्यायालय से पीसी करके लौट रही थी। आरोपी पर डीसीपी जॉन दो द्वारा 10,000 का इनाम भी रखा था। वहीं थाना प्रभारी सुरेश परकुली का कहना है आगे की पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आरोपी से 1,30,000 रुपए जब्त किया गया है, बाकी पैसा अपने साथी को देना बताया है। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। सर, भोपाल थाना अरेरा हिल्स द्वारा सर एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है सर, क्या था पूरा मामला जो आरोपी को? दिनांक 2/5/2024 को महिला निलोफर अली जो न्यायालय भोपाल से अपने लड़के के साथ उसकी मोटरसाइकिल से अपने घर तलैया जा रही थी, उनके पास 2 लाख रुपए लेडीज़ पर्स में रखे थे। जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल शाम करीब 4:30 बजे झील तिराहे के पास पहुंची थी कि पीछे से एक्सिस स्कूटी पर सवार मुंह पे कपड़े बांधे 2 लड़कों ने आकर महिला के हाथ से वो लेडीज़ पर्स छीन लिया और कंट्रोल रूम तरफ भाग गए। महिला ने अरेरा हिल थाने आकर इसकी रिपोर्ट की। थाने पर स्कूटी सवार 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 96/24 धारा 392 IPC का प्रकरण पंजीकृत कर विवेचना में लिया। घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। DCP ढोन 2 महोदय के द्वारा दोनों अज्ञात आरोपियों का शीघ्र पता करने और गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित करने पर अरेरा हिल्स थाने की पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों का पता लगाया गया। उस रूट पर जहाँ जहाँ कैमरे लगे थे CCTV, पुलिस ने सभी CCTV कैमरों का बारीकी से देखा, जिसके आधार पर एक आरोपी फिरोज खान पिता जुल्फिकार उम्र 22 साल निवासी इंदिरा नगर एस बाग भोपाल को चिन्हित किया गया। पुलिस ने आरोपी फिरोज को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया, महिला के साथ लूट करना स्वीकार किया। पूछताछ पर उसने बताया कि उसने अपनी जो स्कूटी है उसकी किस्तें नहीं भर पा रहा था, पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तंगी से गुजर रहा था। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने इस महिला के साथ लूट की घटना करने की योजना अपने दोस्त के साथ बनाई और इस लूट की घटना को अंजाम दिया। आरोपी के कब्जे से 2 लाख रुपये में से उसके हिस्से में जो आए थे 1,30,000 रुपये उनको जब्त कर लिया गया है। शेष रकम उसने अपने दोस्त के पास होना बताई है, उसकी तलाश जारी है। आरोपी से घटना में इस्तेमाल स्कूटी एक्सेस को भी जब्त कर लिया गया है। सर, आरोपी ने किसी और के साथ ऐसी हरकत करी? सर, यार के साथ लूट किया, केवल इसी अपराध का पता लगा है। आगे सब पूछताछ जारी है, आगे विवेचना जारी है, पूछताछ जारी है।